रुद्रप्रयाग में वन विभाग द्वारा एक सराहनीय पहल की जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ों में चीड़ के पत्ते, जिसे पिरूल के नाम से जाना जाता है, इन्हीं पिरूल की पत्तियों को एक पहल के रूप में ज्यादा से ज्यादा रोजगार परक इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को आकर सहयोग करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डीएफओ अभिमन्यु के कुशल नेतृत्व में कुछ दिनों पहले पिरूल के पत्तियों से रोजगार के साधन जैसे सजावटी सामग्री, राखियां बनाने का महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं इस प्रशिक्षण में 58 महिलाओं ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया। इसी क्रम में समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण देते हुए मास्टर ट्रेनर इंदु नौटिया ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार महिलाओं के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके तहत महिलाएं पहाड़ में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा सिंगोली भटवारी कैटप्लान के अंतर्गत स्थानीय महिला समूहों के लिए एक दिवसीय पिरूल एवं हस्तशिल्प कार्यशाला आयोजित की गई। पिरूल, जैसे हम जानते हैं कि वनाग्नि के समय वनाग्नि संवेदनशीलता का मुख्य कारण होता है और उसके कारण काफ़ी तेजी से आग फैलती है, तो इसके पिरूल के वैकल्पिक उपयोग हेतु हमने एक अनूठा पहल लिया है, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। स्थानीय महिला समूह के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स हस्तशिल्प जो पिरूल से बनाए जा सकते हैं, जैसे पेन होल्डर हो गया, राखी हो गया, डेकोरेटिव आइटम्स हो गया, इसका प्रशिक्षण हमारे द्वारा दिया गया है। जी, इससे हमको बहुत सबसे पहले तो ये फायदा होगा कि महिलाओं को जो आगे चढ़ने वाला रोजगार है, सबसे से रोजगार मिलेगा। इसके बाद में आपसे उम्मीद करती हूँ कि सबसे उसके बाद इसको महिलाओं को मार्केटिंग का होना चाहिए। इसमें ऐसा मानना है कि जो चीज़ें हम खरीदते हैं ना, अगर हम इसको खुद बनाएंगे तो इससे हमें बहुत सारे रोजगार मिल सकते हैं। हमें जो है कच्चा माल है सब यही मिलता है, हमें सिर्फ धागा लेना पड़ता है, बाहर से सब सुविधाएँ हमारे गाँव में।